दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय तमाम गतिविधियां पूरे जोरों पर हैं। तमाम राजनीतिक दलों की सरगर्मियां इस समय जो बता रही हैं कि विधानसभा चुनाव उनके लिए कितना जरूरी है, कितना जरूरी है विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसे कि अब हरियाणा में हैट्रिक बनानी है, यानी कि तीसरी बार कैसे सरकार बना लें 2014, 2019 और फिर अब 2024। तो दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसके लिए ये है कि कैसे 10 साल वाला जो उनका गैप आ गया, यानी कि 2004 और 2009, अब उसके बाद में कैसे वो 2024 में वापसी करे, यानी कि 10 साल का जो गैप है उसको ख़त्म करके कांग्रेस अपनी सरकार बना ले। तीसरी तरफ अभय सिंह चौटाला है, बहुजन समाज पार्टी का, जिनके साथ गठबंधन हो गया। अभय सिंह चौटाला के लिए 20 साल का राजनीतिक सूखा है कि कैसे आखिर राजनीति की मुख्य धारा में वापस आ जाएं। इसको सबको लेकर के, यानी कि हरियाणा की जो 90 विधानसभा सीटें हैं उसमें अपना परचम ज़्यादा से ज़्यादा फहराएं, इसके लिए जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह गंभीर है, तो कांग्रेस के अंदर यात्राओं के दौर शुरू हैं। अभय सिंह चौटाला अपनी रणनीति अलग बना रहे हैं। इस वीडियो में मैं दोस्तों आपसे शेयर करूंगा एक ऐसी बात, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में उस मुद्दे को लेकर हूं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। फरीदाबाद लोकसभा सीट, जिसमें कि 9 विधानसभा सीटें हैं, और इस फरीदाबाद लोकसभा की 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं कि जब से ये बनी है, यानी कि ये अस्तित्व में आई हैं 2009 के चुनाव में, 3 चुनाव हो चुके, तीनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार की हैट्रिक लगती आई। और अब भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार, भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव विशेषज्ञ हैं, और खासकर इनके साथ में फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर, ऐसी रणनीति बनाने की तरफ हैं कि ये दोनों विधानसभा की सीटें भी जीत करके उस राजनीतिक सूखे को खत्म कर दें उन 2 इलाकों में। और वो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं फरीदाबाद का NIT और फरीदाबाद का प्रथला विधानसभा क्षेत्र। दोनों विधानसभा क्षेत्र 2009 के चुनाव में पहली बार उनमें चुनाव हुआ, 2007 के परिसीमन के बाद दोनों विधानसभा अस्तित्व में आई। पलवल और बल्लभगढ़ में से काट करके तो प्रथला विधानसभा बनी, और दूसरी तरफ जो NIT की विधानसभा सीट है वो तिगांव से अलग होकर के, और फरीदाबाद NIT के नाम से पहले ही सीट थी, वो तिगांव से अलग होकर के उसके अंदर कई हिस्से और जोड़े गए। अब मैं आपसे बात करूं फरीदाबाद NIT सीट 2009, 2014, 2019। 2009 में यहां से विधायक बने पंडित शिवचरण शर्मा, इंडिपेंडेंट, निर्दलीय विधायक बने। 2014 में यहां से विधायक बने नगेंद्र भड़ाना, इंडियन नेशनल लोकदल से। और 2019 यहां से विधायक बने नीरज शर्मा, पंडित शिवचरण शर्मा के बेटे, वो कांग्रेस से बने, और तीनों बार ही यहां पर भारतीय जनता पार्टी हारी। और अगले विधानसभा क्षेत्र की बात करूं जो मैं कर रहा हूं वो है प्रथला। 2009 यहां से विधायक बने रघुवीर सिंह तेवतिया, कांग्रेस। 2014 यहां से विधायक बने टेकचंद शर्मा, बहुजन समाज पार्टी। और 2019 यहां से विधायक बने नयनपाल रावत, निर्दलीय, इंडिपेंडेंट। हालांकि अगर मैं मानूं तो जो NIT के जो विधायक हुए, जो NIT के विधायक बने, वो तीनों टर्म, यानी कि 2 टर्म पहले वाली थी जो शिवचरण शर्मा और तीसरी बार उनके बेटे नीरज शर्मा, तो शिवचरण शर्मा निर्दलीय बनकर सत्ता के नज़दीक रहे। नगेंद्र भड़ाना इंडियन नेशनल लोकदल से विधायक बनके और धीरे धीरे नज़दीक आ गए सरकार के, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के। और अगर तीसरे जो अब नीरज शर्मा विधायक हैं, तो पहली बार यहाँ पर विपक्ष अच्छी तरह से, जिसे कह सकते हैं। और अगर मैं आपसे प्रथला की विधानसभा की बात करूँ, तो प्रथला विधानसभा से जो जो भी विधायक बने वो सरकार के साथ रहे। 2009 में जब रघुवीर सिंह तेवतिया विधायक बने तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जब 2014 में टेकचंद शर्मा बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया, मनोहर लाल जी को, सत्ता के नज़दीक रहे। 2019 जब नैनपाल रावत निर्दलीय विधायक बने तो उन्होंने मनोहर लाल जी की सरकार को समर्थन दिया, बीजेपी को, और अब इस समय नायब सैनी की सरकार को समर्थन दिया हुआ है। भले ही समर्थन तो मिल गया, भले ही भारतीय जनता पार्टी के
जो सरकार को इनका समर्थन तो मिला, एक बार NIT में भी और तीनों बार पृथला में भी, लेकिन हर राजनीतिक दल की इच्छा ये होती है कि उनकी पार्टी के सिंबल पर खड़ा हुआ कैंडिडेट कैसे चुनाव जीत कर आए। और जो मैं आपको बता रहा था कि अब इन दोनों विधानसभा सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं, रीति नीति विशेषज्ञ हैं, और सबसे प्रमुख कृष्ण पाल गुर्जर अब की बार इस कुवत में है, इस जुगाड़ में है कि किसी तरह से यहाँ पर कमल खिलाया जाए, कैंडिडेट कौन हो, किस पर दम लगाया जाए, किसको टिकट दिया जाए। अगर मैं आपको बताऊं तो जो फरीदाबाद की जो NIT विधानसभा सीट है, यहाँ पर जो कैंडिडेट हुए भारतीय जनता पार्टी के, 2009 में यहाँ पर महेंद्र भड़ाना हुए, 2014 में यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट यशवीर डागर हुए, और 2019 में यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट नगेंद्र भड़ाना हुए। और अगर मैं आपसे बात करूं कि चुनावी जो उनका परिणाम रहा, तो चुनावी परिणाम कुछ यूं रहा कि जो 2009 में बीजेपी का कैंडिडेट थे वो तो बहुत पिछड़ गए, उसके बाद जो 2014 में बीजेपी के कैंडिडेट यशवीर डागर हुए वो तीसरे स्थान पर आए, और जो 2019 में नगेंद्र भड़ाना कैंडिडेट बीजेपी के हुए ये दूसरे स्थान पर रहे। अब वो पांचवें से तीसरा और तीसरे से दूसरा और दूसरे से पहला आए कैसे, इसकी तैयारी है। अब अगर मैं आपसे NIT की बात करूं तो चर्चाएं कुछ इस प्रकार की हैं कि NIT विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अब की बार भी अपना कोई चेहरा नया ला सकती है और नए चेहरे पर चलते हुए चुनावी वैतरणी को पार किया जा सकता है। जो मैंने आपको बताया यशवीर डागर, उससे पहले महेंद्र भड़ाना, उसके बाद में नगेंद्र भड़ाना, और अब चौथा चेहरे की बात आती है चौथे चुनाव में, तो वो कौन हो सकता है। हालांकि राजनीतिक क्षेत्र में ये चौंकाने वाला नाम है, लेकिन जिस पर पिछले कुछ दिन से चर्चा चल रही है, मैंने आपको ध्यान होगा तो एक वीडियो शेयर भी किया था आपसे पहले भी कि NIT में किसको टिकट मिल सकता है, तो मैं आपको आज बता दूं कि फरीदाबाद NIT में जो पुराने चेहरे तो हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, नगेंद्र भड़ाना भी हैं, उन्होंने पिछले दिनों अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया, डोर टू डोर प्रचार भी कर रहे हैं, यशवीर डागर भी हैं, वो भी अपना चुनाव कार्यालय भी उन्होंने खोला हुआ, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। अब जो तीसरे कैंडिडेट का जो आपसे मैं जिक्र कर रहा हूँ, ना तो उनका भी चुनाव कार्यालय खुला, ना चुनाव प्रचार शुरू हुआ, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल पड़ी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि क्या फरीदाबाद NIT से अब की बार चुनावी वैतरणी पार करने के लिए देवेंद्र चौधरी, फरीदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ उप महापौर, निवर्तमान उप महापौर, हालांकि अब तो नगर निगम का सदन भंग है, उससे पहले जो नगर निगम के उप महापौर थे, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के बेटे देवेंद्र चौधरी, क्या देवेंद्र चौधरी अब की बार भारतीय जनता पार्टी का चेहरा NIT से हो सकते हैं। कुछ इस प्रकार की बातें राजनीतिक गलियारों में चर्चा में हैं। हालांकि देवेंद्र चौधरी जो दावेदारी करते रहे हैं वो फरीदाबाद की तिगांव विधानसभा से करते रहे हैं, उनकी दावेदारी वहां पर 2014 के चुनाव में भी थी और 2019 के चुनाव में भी थी, लेकिन 2014 भी और 2019 भी दोनों चुनाव में यहां से इलेक्शन में टिकट जो मिला भारतीय जनता पार्टी का वो राजेश नागर को मिला। राजेश नागर 2014 में चुनाव हार गए थोड़े वोट से, लेकिन 2019 में वो अच्छे अंतर से चुनाव जीत गए और विधायक हैं। अब अगर बात देवेंद्र चौधरी की आती है, जो मैंने आपको बताया कि तिगांव विधानसभा के लिए देवेंद्र चौधरी की और कृष्ण पाल गुर्जर भी कहते थे, और जो कृष्ण पाल गुर्जर के जो आसपास के समर्थक लोग हैं वो भी कहते हैं कि तिगांव विधानसभा पहली पसंद है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बात चली है कि देवेंद्र चौधरी सबसे मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि फरीदाबाद लोकसभा का जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ, जिसमें बड़ी चर्चाएं थी कि जो NIT विधानसभा सीट है फरीदाबाद की, NIT, यहां पर पहले ही चर्चाएं चलती थी कि कृष्ण पाल गुर्जर पीछे रह सकते हैं और महेंद्र प्रताप चुनाव जीत सकते हैं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट, यानी कि NIT विधानसभा सीट से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव चलने के दौरान की बात थी, एक बार मेरे भी बात हुई थी देवेंद्र चौधरी से, तो उन्होंने कहा कि फरीदाबाद NIT का रिजल्ट वो आएगा कि नीरज शर्मा के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, ये मूल शब्द थे देवेंद्र चौधरी के, और मैं ये मानता हूं कि उनका गजब का आत्मविश्वास था।
जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा दावा कर दे और ये भी कह दे कि चुनाव का रिजल्ट जो आएगा वो ऐसा होगा कि सामने वाली पार्टी के नेताओं की पैर तले जमीन खिसक जाए, तो वो चुनाव परिणाम में हुआ। जो चुनाव परिणाम आया वो बहुत चौंकाने वाला था और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उसके पीछे कुशल प्रबंधन देवेंद्र चौधरी का भी था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने वहां मेहनत की, सभी लोग लगे रहे, कई लोग पार्टी में पहले से थे, कई लोग और भी आए विधान लोकसभा चुनाव के दौरान में, लेकिन बात वही आ जाती है कि जो व्यक्ति जो नेता अगर इतने आत्मविश्वास से कोई बात कहता है तो फिर उसके पीछे उस बात को वजन भी मिलता है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव परिणाम आया और चुनाव परिणाम के अंदर NIT सीट से कृष्णपाल गुर्जर की अप्रत्याशित बड़ी जीत हुई और उसके बाद से ये बात शुरू हो गई कि क्या देवेंद्र चौधरी पर ही भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बना सकती है उनको। अब अगर आपको बता दूं कि नगेंद्र भड़ाना 2019 के चुनाव से पहले ही, 2014 में वो NLO से चुनाव जीते थे और 2019 के चुनाव से पहले वो आ गए थे भारतीय जनता पार्टी में। बीजेपी ने उनको टिकट भी दिया विधानसभा में 2019 में, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए। आगे जब बात चलती है तो बात वहाँ तक पहुँचती है कि नगेंद्र भड़ाना 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी में उतनी गंभीरता और सक्रियता से काम नहीं कर रहे थे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक दौर वो भी था कि जब हमने भी और कई वॉल पेंटिंग देखी नगेंद्र भड़ाना की कि जिनसे बीजेपी और कमल का फूल गायब था। दिखता था कि नगेंद्र भड़ाना जनसेवक, फरीदाबाद NIT 86, ये सब कुछ होता था, लेकिन उन वॉल पेंटिंग पर ना कमल का फूल होता था ना बीजेपी का नाम होता था। लोकसभा का चुनाव आ गया। लोकसभा चुनाव के दौरान में कहा यह जाता है कि नगेंद्र भड़ाना की जो नाराजगी थी वो बीजेपी से थी या कृष्णपाल गुर्जर से थी या जो भी था, लेकिन वो चुनाव से दूरी बनाए हुए थे। चुनाव चल रहा था जब, तो उसी दौरान में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए थे नगेंद्र भड़ाना के निवास पर, बंद कमरे में उनकी मुलाकात हुई थी, मुलाकात में बात हुई थी और उसके बाद में जो कृष्णपाल गुर्जर भी वहाँ पहुँचे थे और फिर चुनाव प्रचार में नगेंद्र भड़ाना ने काम किया, जितना भी किया, जैसा भी किया, ये सभी लोग प्रत्याशी जानते हैं, समर्थक जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन नगेंद्र भड़ाना चुनाव प्रचार में लगे और चुनाव प्रचार में लगने के बाद में यहाँ पर भी जो जीत भी हुई भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन यहाँ ये बात चलती थी कि नगेंद्र भड़ाना जो है वो चौधरी महेंद्र प्रताप के नज़दीकी रिश्ते में भी आते हैं और इस सब को देखते हुए ये बात चलती थी कि नगेंद्र भड़ाना जो साथ लगे हैं उस पर कई इफेक्ट बढ़ते, लेकिन जो ओवरऑल कहा जाता है कि अंत भले का भला कि मनोहर लाल के मनाने से नगेंद्र भड़ाना मान गए और चुनाव प्रचार में वो जुट गए। नॉमिनेशन में भी जब कृष्णपाल गुर्जर का नॉमिनेशन हुआ तब भी वो उसमें साथ थे, चुनावी सभाओं में भी कई में साथ दिखे। लेकिन अब जब बात आ जाती है विधानसभा चुनाव की और विधानसभा चुनाव में जब बात ये आ जाए कि चुनावी जीत वो सीटें जहाँ पर कि हार की हैट्रिक लग गई हो, तो पार्टी की सोच होती है कि उस सीट को कैसे जीता जाए। और क्योंकि 2024 तो वैसे बहुत महत्वपूर्ण है, अभी से जिस प्रकार की राजनीतिक हवाएं हैं वो ये संकेत दे रही हैं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बहुत जबरदस्त कांटे की भिड़ंत होने वाली है और ऐसे में हर विधानसभा सीट पर पार्टी की उम्मीद होगी कि उनका कैंडिडेट बेहतर से बेहतर ढूंढा जाए ताकि चुनावी जीत मिल सके। ऐसे में फरीदाबाद NIT विधानसभा सीट जहां पर हार की हैट्रिक थी उसको जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी रणनीति बना रही है और जो राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं उस रणनीति का हिस्सा ही है कि क्या इस सीट से देवेंद्र चौधरी चुनाव मैदान में हो। प्रथला विधानसभा की अगली वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। आपको इतना जरूर बता दूं कि प्रथला विधानसभा के लिए भी भारतीय जनता पार्टी में काफी कुछ बन पक रहा है, अंदर काफी रणनीति चल रही है और उसी रणनीति के तहत एक ये भी रणनीति है कि जो अभी तक बीजेपी के अंदर नेता हैं क्या इन सब के बाद में किसी और नेता को किसी और पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में लाया जा सकता है चुनाव लड़ाने के लिए, अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फरीदाबाद NIT सीट जीतने के लिए जो बीजेपी के रणनीतिकार योजना बना रहे हैं उसके अंदर देवेंद्र चौधरी का नाम अव्वल आता है। आपको क्या लगता है
कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने जो पुराने चेहरे हैं नगेंद्र भड़ाना और यशवीर डागर, उनमें से किसी को चेहरा बनाएगी, या फिर हम आपको जो बता रहे हैं कि देवेंद्र चौधरी पर भी नजर हो सकती है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।